असलम कैसे हैं आप सब उम्मीद है खैरियत से होंगे वेलकम टू द न्यू सेशन ऑफ योर सोशल स्टडीज क्लास सोशल साइंस आज हमारा नया टॉपिक या कह लें नया सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये और बहुत मजेदार मजेदार इसलिए इससे क्योंकि हमें अपनी तारीख के बारे में पता चलता है इससे बहुत सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं और इसको कहा जाता है सोशल साइंस अब ये जो आपकी किताब आपके पास इस वक्त मौजूद होगी इसके अंदर मैं आपको बताती चलूं कि आपके टोटल चैप्टर्स जो हैं उनको हमने दो चीजों में बाइफरकेट करा है बाइफरकेट का मतलब है बाटा है ताकि हमको करने में भी आसानी हो और हमें वक्त भी मिले चैप्टर्स बड़े हैं पर बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ठीक है तो मैं आपको ये बताती चलूं जो आपका पहला इस... जो आपके दो मॉड्यूल्स हैं ठीक है

चैप्टर हो ओके टोटल okay, आपके ये अट्ठाइस चैप्टर हो रहे हैं अब हम ये देख लेंगे टीएमए क्या होता है देखिए टीएमए एक बच्चों के लिए समझ लिए तो सेफर साइड कहें उनके लिए मार्क्स इकट्ठा करने का एक बहुत अच्छा एक uh, क्या कहूँ मैं आपसे एक बहुत अच्छा जरिया है जिसमें वो अपने रिटर्न टेस्ट में मार्क्स को बहुत अच्छी परसेंटेज हासिल कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको कहीं पे जाके एग्जाम नहीं देना सिर्फ ये जो चैप्टर्स आपको यहाँ पे बाइफरकेट करके टीएमए में डाले गए हैं आप अपनी मर्जी से इसके आंसर्स देते हैं ठीक है और इसमें ऐसा कोई कैदोबंद नहीं है कि आप किसी इन्विजिलेटर के सामने बैठ के देने पर ये आपको तैयार करना होता है आप टाइमली इसको तैयार करके सबमिट कराएंगे तो आपके मार्क्स जो है वो पक्के इट अप्रोक्सीमेटली ये बीस मार्क्स का होता है हम ये वाला मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है पेपर का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन वो भी देखेंगे पर अभी मैं जो आपको बता रही हूं ये वाला चैप्टर जो होता है आपका ये 80 मार्क्स का होता है ठीक है पर अभी हम ये मालूम करते चले तो हमारे जो टी एम ए में चैप्टर आ रहे हैं वो है चैप्टर जीरो चैप्टर वन चैप्टर टू ठीक है ये इसी तरह उन्होंने मॉड्यूल्स में डिवाइड कराए इसको कितने में डिवाइड करा है चार मॉड्यूल्स में ये मॉड्यूल वन है ठीक है ये कहा जाता है हिस्ट्री ठीक है इसके तीन चैप्टर्स उसके अलावा मॉड्यूल टू में आपका क्या आता है नेचुरल एनवायरमेंट रिसोर्सेज डेवलपमेंट ये आपका जियोग्राफी होता है जिसमें आप जमीन कैसी है आसमा वहां का माहौल कैसा है क्लाइमेट कैसा है नदियां पहाड़ ये सब इन सब चीजों के बारे में जानते हैं किसी खास जगह के बारे में हम इसको सब कुछ डिटेल में करेंगे यहां पे चैप्टर्स आपको मेंशन कर रखे हैं उन्होंने इसी तरह आपका जो थर्ड मॉड्यूल है वो डेमोक्रेसी एट वर्क ये आपका आ गया सिविक्स समाजयात कह लीजिए आप इसको इसमें भी आपके चैप्टर्स यहां पर मेंशन है ठीक है आप एक सिटी में रहते हैं एक स्टेट में रहते हैं वहां के क्या क्या तौर तरीके हैं क्या क्या आपके हक हैं क्या नहीं है वो सारी चीजें यहां पे बताई जाएंगी इसके अलावा मॉड्यूल फोर में कंटेम्प्रेरी इंडिया इश्यूज एंड गोल्स ये आपका पॉलिटिकल साइंस है ठीक है ये आपका पॉलिटिकल साइंस है इसमें भी आपके चैप्टर्स उन्होंने आपको दे दिए हैं अब चलिए ये वाली बात तो ऐसी हो गई है कि हम इन चैप्टर्स को अगर टच ना भी करें तो ये बेसिक हमें पढ़ना जरूरी है ठीक है इसीलिए हम इनकी क्लासेस यहीं से स्टार्ट करेंगे पर थोड़ा सा आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन आज हम आपको देंगे ताकि आपको पता चले हम सोशल साइंस में क्या क्या पढ़ने वाले हैं ठीक है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी मैं आपको आज इंट्रोडक्शन टू सोशल साइंस ताकि आप फेमिलियर हो जाए इस चीज से और साथ साथ मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन भी देती चलू कि मैं आपकी सोशल साइंस की टीचर हूं आपको सोशल साइंस पढ़ाऊंगी मैं मेरा नाम है फारा परवीन ठीक है चलिए सोशल साइंस का तारुफ सोशल साइंस का जो तारुफ है इंट्रोडक्शन अगर फॉर एग्जांपल इन्होंने एक कंडीशन आपके सामने रखी है कंडीशन ये है आपको पता होना चाहिए अगर आप कभी टाइम मशीन में बैठे हैं तो टाइम मशीन में अगर आप बैठ रहे हैं यहां पर उन्होंने कंडीशन रखी है एक टाइम मशीन के मालिक हैं और आपने उनके पुराने दिनों दुन, का सफर किया तो वो अपने दादा दादी के टाइम पर पहुंचे अगर ऐसा पॉसिबिलिटी हुई ऐसी गुंजाइश हुई तो अगर हमें अपने दादा दादी के टाइम में जाने का मौका मिले किसके थ्रू टाइम मशीन के थ्रू क्योंकि वक्त ना कभी किसी के लिए रुका है ना कभी पलटकर वापस आया है ठीक है तो यहाँ पर यहाँ पर उन्होंने बात करी है टाइम मशीन की अगर हम पुराने ज़माने में जाएंगे हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी क्या क्या चीज़ें नहीं होंगी उस वक्त में और क्या क्या होता था उस वक्त में हम वही सारी चीज़ें सोशल साइंस में देखेंगे आपका घर आपके गिरदोपेश का माहौल काफ़ी मुख्तलिफ रहा होगा उस वक्त ठीक है और किस तरह से आपने वो सफ़र किया क्या क्या आपको आपके अबाव अजदाद दो थे वो कैसे थे किस तरह का गजा लिबास उनका, उनकी बोली थी हर चीज में बदलाव आया क्योंकि अल्लाह ताला ने जब दुनिया बनाई तो दुनिया जब बनाई अल्लाह ताला ने तो जब आदम सलाम को दुनिया पे दुनिया में भेजा वो उस वक्त अल्लाह ताला ने सब कुछ आदमी सलाम के लिए उनकी आने वाली नस्लों के लिए पूरी दुनिया को तैयार करा था ठीक है ना अब जब तैयार करता उसके बाद जब उनको भेजा किस तरह से वो दुनिया में आए और क्या क्या मराहिल से गुजरते हुए आज जो प्रेजेंट डे है हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं ठीक है थीके? किस तरह का लिबास था कैसी गज़ा थी कैसे घर थे कैसा एनवायरनमेंट था ये सारी चीज़ें हम देखेंगे तो यही चीज़ हम यहाँ पर इकट्ठी करके देखेंगे ये है इसका ब्रीफ वो है ये तस्लीम कर सकेंगे कि सोशल साइंस के मुतले में आप तारीख़ यानी कि हिस्ट्री पढ़ेंगे आप जिस मदरसे से कनेक्टेड हैं, आपको उस मदरसे की भी हिस्ट्री पता होगी आप उसके अंदर दीनियात की या इस्लामिया की तारीख भी पढ़ रहे होंगे जोग्राफिया कैसी जगह पर बना हुआ है वो उसका आसपास के पेड़ पौधे कैसे हैं वहां की जमीन कैसी है वहां पे क्या क्या काश्त होता है ये इसमें आएगा मशियत वहां की इकोनॉमी कैसी है बहुत ज्यादा अच्छी है डेवलप्ड है ये सब चीजें देखी जाएंगी सियासत वहां पे पॉलिटिकल कंडीशंस कैसी हैं ओके okay, वहां की वो समाजियत सोशियोलॉजी सोसाइटी किस तरह की है तो ये सारे मजामीन जब आपस में मिलते हैं तो हम मान सकेंगे ये जितने भी मजामीन के मवाद एक दूसरे से क्या है मरबूत हैं इंटर रिलेटेड हैं ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है तारीख जोग्राफी से जोग्राफिया माशियत से सियासत से और समाजियत से क्योंकि ये सब एक दूसरे का हिस्सा हैं कहीं ना कहीं और जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आपको समझ में आता जाएगा कैसे नए नए इंसानी जरा समाजों का इरतका हुआ यानी कि ह्यूमन कैसे डेवलप हुए हमने शायद अपने बड़े बुजुर्गों से कह लें या फिर हम ऐसा समझ लें कि अमूमन एक राय जो बनी हुई है कि इंसान पहले बंदर था लोग कहते थे इंसान पहले बंदर था क्या ये सच बात है नहीं पर कैसे कैसे डेवलपमेंट हुई क्या क्या चीजें हुई तो वही चीजें हमें सब यहां पर देखनी है एक तालीम मजमून के तौर पर सोशल साइंस कैसा है अगर आप सोशल साइंस पढ़ रहे हैं इसका सरोकार किससे है समाज से क्योंकि समाज इन सब चीज़ों से मिलकर बनता है उसके अंदर सरहदें होती हैं उन सरहदों में एक जोग्राफिया होता है उन सरहदों में पॉलिटिकल कंडीशन होती हैं सियासत होती है उन पढ़ उसमें माशियत होती है वहाँ के खाना पीना कैसा है वहाँ का कारोबार कैसा है यही चीज़ें मिलकर एक मकसद क्या है तमा, समाज के तमाम पहलुओं को वो समझाता है ठीक है सामाजिक मसाइल से निमटने के लिए भी उनका हल दरियाफ्त करता है सोशल साइंस में तो हम देखेंगे इनमें खास वो है जिन्हें इस मरहले में आपको जानने की जरूरत है यानी कि टेंथ के, के हिसाब से तो ये है आपका तारीख ठीक है तारीख यानी कि हिस्ट्री जो मैंने आपको बताई है और आपके जितने भी जो चैप्टर्स हैं ये इसी तरह बांटे गए हैं कुछ सबक जो हैं वो हिस्ट्री से रिलेटेड हैं कुछ आपके जोग्राफी से कुछ पॉलिटिकल साइंस से कुछ सोशियोलॉजी से और कुछ इकोनॉमिक से और ये इतना वास्ट सब्जेक्ट है जिसको आप अपनी जबान में भी लिख सकते हैं उसकी कुछ अपनी जाति अहत भी हैं ठीक है थीके? जोग्राफिया वहाँ की कंडीशंस बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये सियासत पॉलिटिकल साइंस सियासत आज आप सब बहुत अच्छे से इसका अंदाजा लगा सकते हैं क्या क्या सियासत है और कैसी सियासत चलती है पूरी दुनिया में किस तरह की सियासत है आपके मुल्क में और हम किसी भी इदारे के अंदर भी समझ सकते हैं जिसमें हम काम करते हैं पढ़ते हैं समाजियत सोशियोलॉजी फिर माशियत तो ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे चलिए आज की क्लास यहीं तक उम्मीद करती हूं जो मैंने पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा इन जब तक के लिए अल्लाह हाफिज